हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉन टेक्निकल गुरुजी में। और गाइस, मैं लेकर आया आपके लिए करना है वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हम आईबीपीएस क्लर्क के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, यानी जो आज प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट हुआ है चार शिफ्ट के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा पेपर यहाँ पे रहा है और कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे जा सकता है और कितने अटेम्प्ट यहाँ पे डुएबल थे, बच्चों ने कितने अटेम्प्ट करे हैं यहाँ पे और यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे रखी जा रही है कट ऑफ की, सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशन और भी वीडियोस मिलते रहे। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ अटेम्प्ट्स की, यहाँ पे कितने अटेम्प्ट्स है बच्चों को ज्यादातर, तो यहाँ पे देखा गया 80 से लेकर 85 के बीच में अटेम्प्ट्स यहाँ पे बच्चों को ज्यादातर रहे हैं, लेकिन अब एक्यूरेसी कितनी रही है वो अभी डिपेंड करती है कि पेपर का लेवल कैसा था। तो बताया जा रहा है कि जो शिफ्ट वन का एग्जाम था उसका जो लेवल था वहाँ पे इजी टू मॉडरेट देखा गया, वहाँ पे जो इंग्लिश सेक्शन था वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, क्वांट वहाँ पे भी इजी टू मॉडरेट थी एंड रीजनिंग काफी यहाँ पे इजी थी। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस था। बात करें सेकंड शिफ्ट की, तो वहाँ पे जो बच्चों ने कहा कि जो इंग्लिश है वो थोड़ी मॉडरेट लेवल की थी, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, क्वांट काफी डुएबल थी, इजी थी, एरिथमेटिक थोड़ा यहाँ पे मॉडरेट कह सकते हैं, मॉडरेट था। और बात करें रीजनिंग की तो वो इजी टू मॉडरेट था, तो वहाँ पे सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस ये रहा। देन बात करें यहाँ पे थर्ड शिफ्ट की, तो थर्ड शिफ्ट में यहाँ पे जो पेपर रहा है वो यहाँ पे इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे इंग्लिश के वो थोड़े यहाँ पे कह सकते हैं पैसेज थोड़ा काफी लेंदी था, तो उसमें यहाँ पे काफी समय लगा लोगों को। उसके बाद बात करी जाए यहाँ पे क्वांट की, तो क्वांट भी डुएबल था, एरिथमेटिक थोड़ा यहाँ पे मॉडरेट देखने को मिला। यहाँ पे भी सभी शिफ्ट में जो एरिथमेटिक आ रहा है वो थोड़ा मॉडरेट आ रहा है, ऐसा इजी नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी बच्चों ने काफी अच्छा अटेम्प्ट करा है थर्ड शिफ्ट के अंदर भी, 85-90 के आसपास यहाँ पे अटेम्प्ट काफी ज्यादा हुए हैं। उसके बाद बात करी जाए यहाँ पे रीजनिंग सेक्शन की, तो वो भी इजी टू मॉडरेट देखने को मिला है। तो ओवरऑल बात करिए अब तक इन तीन शिफ्टों की जो तब तक हो चुकी है, और चौथी शिफ्ट अभी चल रही है, लेकिन उसका भी मुझे ऐसा लगता है कि पेपर ऐसे ही सेम लेवल का रहने वाला है, इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं, मॉडरेट से ऊपर पेपर नहीं आ रहा है। तो कोई कह रहा है जो मॉडरेट से ऊपर पेपर आ रहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इजी टू मॉडरेट आ रहा है और मेरे हिसाब से देखा जाए तो कंपेरेटिवली लास्ट ईयर के थोड़ा इजी पेपर आ रहा है। तो अब बात करें यहाँ पे कितना गुड अटेम्प्ट यहाँ पे रहना चाहिए कल, जिनका भी कल एग्जाम है, तो मेरे हिसाब से अगर आपके 80 प्लस अटेम्प्ट रहते हैं कल के एग्जाम में, तो आप अच्छे यहाँ पे मेंस की तैयारी कर सकते हैं, आप आराम से अपने मेंस की तैयारी फोकस करिए आप एग्जाम के बाद। और जिनके भी यहाँ पे 70 प्लस आ रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपकी शिफ्ट थोड़ी सी अगर मॉडरेट आपको लग रही है और ओवरऑल आपने जो एनालिसिस देखा है आजू बाजू से, जो भी अपने अपने कलीग से बात करी होगी या किसी और स्टूडेंट से बात करी होगी, अगर उनको भी लग रहा है कि जो आपकी शिफ्ट है थोड़ी सी अगर मॉडरेट लेवल की लग रही है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे तैयारी करिए मेंस की। अगर आपके 70 प्लस अटेम्प्ट है, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि बहुत लोग जो 80 अटेम्प्ट है 90 अटेम्प्ट है तो उनके इतने ज्यादा अटेम्प्ट है और आप कितने कम अटेम्प्ट है तो आप तैयारी नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जिनके 80-90 अटेम्प्ट होते हैं उनके चांसेस भी काफी ज्यादा रहती है एक्यूरेसी बिगड़ने की, ऐसा नहीं है कि एक्यूरेसी उनकी एकदम 100% होगी, 85-90% एक्यूरेसी ज्यादातर बच्चों की होती है देखा जाए तो इसलिए यहाँ पे आप बिल्कुल तैयारी करिए। जिनके भी 70-75 अटेम्प्ट के आसपास है वो भी बिल्कुल यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। तो लास्ट में बात करें जाए कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, तो मेरे हिसाब से जो यूअर कैटेगरी का कट ऑफ जा सकता है वो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि 80 प्लस जाने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई है यहाँ पे, क्योंकि पेपर यहाँ पे काफी इजी आ रहा है। तो अगर आपके 80 प्लस है और आपकी एक्यूरेसी काफी अच्छी है, अगर आपकी एक्यूरेसी 95% भी एक्यूरेसी आपने सोची, आपको लगता है कि 95% एक्यूरेसी है आपकी और आपकी 80 प्लस अटेम्प्ट है, तो आप बिल्कुल मेन्स तैयारी करिए। बात करी जाए यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी की, तो अगर आपके 78 प्लस अटेम्प्ट है तो आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं मेंस की, है ना, बिल्कुल पे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर 78 प्लस अटेम्प्ट है तो बिल्कुल तैयारी करिए, कोई भी शिफ्ट में एग्जाम हो अगर आपको 78 प्लस अटेम्प्ट है तो आपको जरूर निकलने की चांसेस है। देन बात करी जाए यहाँ पे एससी कैटेगरी की, तो मेरे हिसाब से जो लास्ट टाइम कट ऑफ गया था वो 68-69 के आसपास गया था, लेकिन यहाँ पे आप मान के चलिए 4-5 नंबर बढ़ सकता है एससी कैटेगरी का, और यहाँ पे जो कट ऑफ जा सकता है वो 72 से लेकर 73 के आसपास यहाँ पे जा सकता है एससी कैटेगरी में। एंड देन बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो 69 से लेकर 70 के बीच में यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है एक्सपेक्टेड एसटी कैटेगरी में। तो ये फ्रेंड्स थे चार कट ऑफ यहाँ पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू गाइस।